हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और अगर आप एक स्टूडेंट है जो जून 2020 के एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं, और अगर आपने अब तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है, तो ये न्यूज़ आपके लिए ही है। बेसिकली जैसा कि हमको उम्मीद थी कि इग्नू ने जो असाइनमेंट सबमिट करने की डेट 31 मई तक रखी थी, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो डिसीजन वैसा ही आया है। इग्नू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि जो आपके असाइनमेंट सबमिट करने की डेट थी बच्चों, जो 31 मई तक की थी, उसको बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। तो ये एक नोटिस आया है, देखिए, ओइंग टू द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस डिसेज, आपके जितने भी जो है एकेडमिक प्रोग्राम थे, उनके जो है असाइनमेंट सबमिट करने की डेट जो है वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है। तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है ना। तो अब देखिए, आपके पास 15 जून तक का टाइम है। तो जिन बच्चों ने अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से अपने असाइनमेंट बनाएं, उसको जमा कराएं। साथ साथ जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट थी वो भी 31 मई तक कर दी गई है, लेकिन इसके एक्सटेंड होने के चांसेस कम है। तो आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए आपके पास और ज़्यादा टाइम आ गया है, लगभग 25 दिन आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो आप अपने असाइनमेंट बनाइए, जमा कराइए। लेकिन एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके असाइनमेंट सबमिट कराने की डेट जून तक हो गई है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो जनरली जून में ही किए जाते हैं। लेकिन जब असाइनमेंट सबमिट कराने की डेट जून तक आ गई है, तो उसके बाद आप 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन तो एटलीस्ट ऐड कर ही लीजिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो भी शायद जो है जुलाई के स्टार्टिंग में मिनिमम, अगर वो जल्दी से जल्दी करे तब हो सकते हैं, वरना आपके एग्जामिनेशन अगस्त तक भी जा सकते हैं। बाकी तो जैसे सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए आपके लिए खुशखबरी यही है कि आपके जो असाइनमेंट सबमिट कराने की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 15 जून तक। तो आराम से आप अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कीजिए, उनका पीडीएफ तैयार कीजिए। अगर आपने पीडीएफ तैयार नहीं कराया तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, और किस तरह से आपको असाइनमेंट को जमा कराना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।